हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पिंसी। दोस्तों, आज हम देखेंगे 60 सेकंड में बनने वाली बहुत ही आसान सी हेयर स्टाइल। तो सबसे पहले हेयर स्टाइल हम देख लेते हैं। इसके लिए आपको साइड पार्टीशन कर लेनी है। इसके बाद आपको अपने बालों का छोटा सा सेक्शन लेना है और उसको इस तरह से ट्विस्ट करते जाना है। मैंने अपने बालों को घर में ही पॉलीथिन से हाईलाइट किया है। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। फिर इसके बाद इसको इस तरह की पिन से पीछे सिक्योर कर लीजिए। इसके बाद फिर से एक सेक्शन लीजिए और उसको भी इसी तरह से ट्विस्ट करिए। आपको अपने बालों को 4 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। ये बहुत ही आसान सी क्यूट दिखने वाली हेयर स्टाइल है। अगर आप कॉलेज या ऑफिस गोइंग कर लें तो आपके ऊपर ये बहुत ही अच्छी दिखेगी। इसके बाद जो आगे की तरफ बेबी हेयर्स होती हैं उनको भी निकाल लीजिए और बाकी के बालों को भी सेट कर लीजिए। और बस बनके तैयार है हमारी क्यूट सी हेयर स्टाइल। इसके बाद हम देख लेते हैं अपनी दूसरी हेयर स्टाइल। इसके लिए आपको अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इसके बाद आपको बालों का एक सेक्शन लेना है और उसकी इस तरह से पोनीटेल बना लीजिए। इसके बाद इस पोनीटेल का बन बना लीजिए। छोटा सा बन बनता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल ये वाली हेयर स्टाइल काफ़ी ट्रेंड में है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक पिंक्सी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आती रहती हूँ। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसी तरह आपको दूसरी तरफ भी अपने बालों की पोनीटेल बना लेनी है और उसके बाद में उसका बन बना लेना है। जूड़ा पिन से इसको सिक्योर कर लीजिए। इसके बाद में जो बाकी के बचे हुए बाल हैं, आप चाहें तो इनको आगे डाल सकते हैं या फिर आप इनको पीछे ही रहने दीजिए। इसके बाद में थोड़े से अपने बालों को आगे से निकाल लीजिए और बस बनके तैयार है हमारी 1 मिनट में बनने वाली हेयर स्टाइल। जब भी हम अपने बालों का जूड़ा बनाते हैं तो थोड़ी देर में वो खिसकते खिसकते नीचे की तरफ पहुंच जाता है, हमारी गर्दन के पास में। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आज की ट्रिक आप जरूर फॉलो कीजिए। इसके लिए आपको अपने आगे के बालों की बना लेनी है एक पोनीटेल। इसके बाद में जो बाकी के बचे हुए बाल हैं उनको और पोनीटेल को दोनों को इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद इसका बन बना लीजिए। पोनीटेल बना लेने से आपका जो बन है वो नीचे की तरफ खिसकता नहीं है, जहाँ पर आपने बनाया है वहीं पर टिका रहता है। इसके बाद में बन को सेट कर लीजिए। बालों को हल्के हाथों से खींच के उसको शेप दे सकते हैं। इसके बाद में अपनी उंगलियों से हल्के हाथों से इस तरह से बालों को खींच सकते हैं। देखिए, आपके बाल चिपके हुए नहीं दिखेंगे और वो फ्लफी दिखेंगे और मैसी लुक भी देंगे। तो बस बन के तैयार है हमारा मैसी बन। तो अब हम देख लेते हैं अपनी लास्ट हेयर स्टाइल। इसके लिए आपको अपने बालों की साइड पार्टीशन कर लेनी है। इसके बाद में आपको बालों को एक छोटा सा सेक्शन लेना है। इसके बाद में एक और सेक्शन लेना है और जो पहला सेक्शन बालों का लिया था उसी में इसको ट्विस्ट कर लेना है। इसी तरह से आपको छोटे छोटे बालों के सेक्शन लेने हैं और एक एक करके सभी को ट्विस्ट करते हुए जाना है। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप मुझे वहाँ पर pinksy545 पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसके बाद में इन बालों को पीछे की तरफ पिनअप कर लीजिए। ये बहुत ही आसान सी खूबसूरत सी दिखने वाली हेयर स्टाइल है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।